टीवी जर्नलिस्ट अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी को डिंडोरी प्रेस क्लब ने बताया रंजिश पूर्ण कार्रवाई। जिला प्रशासन को सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। प्रेस क्लब ने गुरुवार को तहसीलदार बिशन ठाकुर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम ज्ञापन सौंपकर टीवी जर्नलिस्ट अर्णब गोस्वामी का समर्थन किया है। प्रेस क्लब जिला अध्यक्ष शिवराम बर्मन सहित अन्य पदाधिकारियों ने अर्णब की गिरफ्तारी को मुंबई पुलिस की रंजिश पूर्ण कार्रवाई करार दिया है। ज्ञापन में जिक्र है कि भारत के एक प्रतिष्ठित पत्रकार के साथ महाराष्ट्र सरकार देश पूर्ण व्यवहार कर रही है। यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की आवाज को दबाने और पत्रकारों के मौलिक अधिकारों का हनन है। देश में मीडिया के साथ लगातार दुर्व्यवहार हो रहा है और तथ्यहीन सिकवा शिकायतों के आधार पर झूठे मामले दर्ज कर परेशान किया जा रहा है। प्रेस क्लब ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र में शासन प्रशासन और जनता की आवाज को देश के सामने लाने का प्रयास करती है, लेकिन भ्रष्टाचार के आखंड डूबे लोगों की सच्चाई सामने लाने पर पत्रकारों को ही प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। प्रेस क्लब ने महाराष्ट्र सरकार के रंजिशपूर्ण व्यवहार का खुलकर विरोध किया और अर्णब गोस्वामी को सम्मान रिहा करने की मांग की। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए डिंडोरी से नीरज रजक की रिपोर्ट।